नमस्कार दोस्तों, स्लम डॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना में पिया गैले कलकत्वा का विमोचन, भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व कृतित्व का विवेचन। जी हां फ्रेंड्स, पटना कालिदास रंगालय में पिछले दिनों भोजपुरी कला साहित्य के अप्रतिम चितेरे भिखारी ठाकुर के जीवन और उनके रचना संसार को लेकर फिल्मकार किरण कांत वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक कहत भिखारी ठाकुर पिया गैले कलकत्वा का विमोचन साहित्य व कला जगत के विद्वजनों के हाथों किया गया। मंच पर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, संस्थापक सुलभ इंटरनेशनल, पद्मश्री श्याम शर्मा, रजक शर्मा, पूर्व मंत्री, समीक्षक रामवचन राय MLC, कवि सत्यनारायण, विनय बहादुर सिन्हा अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी, डॉक्टर अनिल सुलभ अध्यक्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, विधायक विनोद यादव, प्रोफेसर माया शंकर और फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम विशेष रूप से उपस्थित थे। सोमा भारती तथा आजाद दक्ष ने मंच संचालन किया। फिल्म निर्देशक और लेखक किरण कांत वर्मा ने भिखारी ठाकुर के जीवन वृत्त व उनकी लेखकीय दक्षता को सरलता और सरसता के साथ लिखा है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने इस अवसर पर स्मरण दिलाया कि भिखारी ठाकुर की विलक्षण लेखकीय दक्षता से प्रभावित होकर राहुल सांकृत्यायन ने उनको भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर कहा था। वह उच्च स्तर के कवि, गीतकार ही नहीं जनमानस के लोकप्रिय कलाकार भी थे। तो फ्रेंड्स, स्लम डॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अपडेट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।